आज हम बना रहे हैं स्प्राउटेड मूंग कटलेट्स। ये विनिंग रेसिपी है डॉक्टर मोनिका सत्येन कस्बा वाला की। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग स्प्राउट्स, उबले हुए आलू मैश किए हुए, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, बेसन, केले, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आमचूर पाउडर, ब्रेड क्रम्स, तेल, नमक। स्प्राउटेड मूंग टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। अब ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अदरक और प्याज। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे बेसन और अब हम इसे भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी खुशबू नहीं आती। अब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब ये तैयार है तो हम इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं और अब हम इस केले को छील कर एक बोल में मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आलू, स्प्राउटेड मूंग जो हमने ब्लांच किए हुए हैं, हरी मिर्च और नमक और ये भुना हुआ प्याज और बेसन का मिक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस मिक्सचर के कटलेट्स बना लेते हैं इस तरह से और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी तरह हम और कटलेट्स बना लेंगे। अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। अब ये तेल गरम हो चुका है, हम इन कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। अब ये एक साइड से तैयार है, हम इन्हें पलट लेते हैं। अब ये कटलेट्स तैयार है, हम इन्हें प्लेट कर लेते हैं।